जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से ये युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को काफी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से वो पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। उसने तीर ले लिए और कहा कि वो कल सुबह इन तीरों को वापस करेगा। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मजेदार है। भगवान कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्वों में बचाई थी, इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज जान बचाने के लिए मांग लो। समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 सोने के तीरों को मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिए। दुर्योधन शायद इन तीरों के महत्व से अनजान था। उसने भीष्म पितामह की बातों को गंभीरता से लिया ही नहीं और अंततः दुर्योधन ने अपने ही हाथों से अपनी विजय अर्जुन को उपहार में दे दी, जो कौरवों का काल साबित हुआ। इन्हीं 5 तीरों से अर्जुन ने कौरवों के 5 बड़े योद्धाओं का वध किया था।